देश में हजारों लोग मैसेज के माध्यम से OTP यानी वन टाइम पासवर्ड समय से न आने की समस्या से जूझ रहे हैं। यह दिक्कत सिर्फ बैंक, ई कॉमर्स या अन्य कंपनियों की सर्विस इस्तेमाल करते वक्त ही नहीं आ रही है, बल्कि कोविन रजिस्ट्रेशन, डेबिट कार्ड ट्रांजेक्शन और अन्य ऐसे सिस्टम का इस्तेमाल करने में भी हो रही है, जिनमें लॉगिन करने के लिए डबल ऑथेंटिकेशन की जरूरत होती है। ऐसे में लोगों को जीमेल लॉगिन करते वक्त भी दिक्कत हो रही है। दरअसल इस गड़बड़ की वजह ट्राई का नया नियम है, जिससे OTP सर्विस बुरी तरह प्रभावित हो गई है। OTP आने में हो रही दिक्कत की असल वजह ट्राई यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से जारी की गई नई गाइडलाइन से। बता दें कि ट्राई ने OTP फ्रॉड रोकने के मकसद से नया SMS टेम्पलेट जारी किया है, जिसका असर OTP सर्विस पर नजर आ रहा है। इससे देश भर में हजारों उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ट्राई की नई गाइडलाइंस के तहत टेलीकॉम ऑपरेटर्स नए DLT प्रोसेस को लागू कर चुके हैं, जिससे पुश नोटिफिकेशन प्रभावित हो गया है। बता दें कि DLT यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी एक तरह का ब्लॉकचेन बेस्ड रजिस्ट्रेशन सिस्टम है। ट्राई के मुताबिक देश में सभी टेलीकॉम ऑपरेटर्स को DLT प्लेटफॉर्म पर अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराना होगा। बताया जा रहा है कि यह नियम OTP फ्रॉड और स्पैम मैसेज आदि को रोकने के लिए लागू किया गया है, लेकिन इसकी शुरुआत अच्छी नहीं रही। OTP सर्विस प्रभावित होने से COAI यानी कि सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महानिदेशक SP कोचर ने बताया कि टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स ट्राई के नियमों का पालन कर रही है और उन्होंने गैर जरूरी मैसेज की पहचान करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स ने कई कंपनियों को अपने अपने टेम्पलेट रजिस्टर कराने के लिए कहा है। इसी के तहत नई गाइडलाइन की गई है। ऐसे में कंपनियों से अनुरोध किया गया है कि वे जल्द से जल्द अपने टेम्पलेट रजिस्टर करा लें, ताकि टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स को गैर जरूरी मैसेज की पहचान करने में दिक्कत ना हो। कुछ दिन बाद यह OTP संबंधित समस्या पूरी तरह से दूर हो जाएगी। टेलीकॉम न्यूज की रिपोर्ट।